यहाँ पर एक दादाजी यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं पत्थर को। देखिए देखिए चोट भी लग चुका है, पंचन भी बंद हो गया है। नमस्कार दोस्तों, गोपाल पी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। और अभी मैं नदी नहाने आया हूँ। देखिए ये रहा हम लोग का सोन रखा नदी और मस्त पानी है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा पानी है। देखिए दोस्तों, देखिए नदी में आज बहुत ज़्यादा पानी है, हम उतरेंगे तो समझ में आएगा। नहीं ऐसे बेसिकली इतना पानी रहता नहीं है, आज छोड़ा है पानी। और इधर भी देखिए मस्त मज़ा आएगा नहाने में आज। और ये रहा हम लोग का जंगल, देखिए गाय गोरू वहाँ पे चर रहा है पूरा, और यहाँ से पानी भी पीता है नदी से। हम फटाफट नहाते हैं अभी। ले जाएंगे वहाँ के, बहुत पानी है, पानी का स्पीड बहुत है, बहाव बहुत तेज है। देखिए दोस्तों, हम लोग गाँव में ऊँट आ गया, ऊपर आया है, लेकिन बहुत ऊँचा है ऊँट। यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं पत्थर को, और फिर इसको छोटा छोटा करके ले जाएंगे वहाँ। वहाँ पे सब पत्थर ला रही है चाची। हाँ देखिए, इस तरह से गुट्टी छेच रहे हैं इन लोग, और ये छोटा बाबू भी खेल रहे हैं। तो देखिए छेच रहा पत्थर, और एक दादी को देखिए, ये भी पत्थर ला रही है इतना दूर से, और पत्थर को मतलब तोड़ के अपना गिट्टी बना रही है। ये सब पत्थर को चुन चुन के कैसे ये जो बर्तन है इसमें रखा गया है कटोरा में, कैसे ताड़ रहा है और निकाल रहा है पत्थर सब को। जो ये तालाब है ना, तालाब को मतलब जो खुदाई हुआ था उस टाइम जो पत्थर निकला था, तो चारों तरफ इसे पड़ा हुआ है। तीन लोग निकाल के पत्थर सबको तोड़ के जो गिट्टी बना रहे हैं, गिट्टी मतलब जो घर का ढलाई होता है, जरूरत होता है वही। ये पत्थर सबको कैसे तोड़ा है और अपने हाथों से तोड़ा है, मतलब हथौड़ी से। देखिए दोस्तों, ये दादी जी कैसा पत्थर को तोड़ रही है। देखिए, और इसमें बहुत रिस्क भी होता है, इन लोग का आँख में भी जा लग सकता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी तो चलाना होगा ना इसीलिए। और देखिए अंकल उधर भी खींच रहे हैं, चाची उधर भी है, और देखिए यहाँ भी इन लोग भी खींच रहे हैं। वो पूछते हैं मतलब कहाँ बेचते हैं सब, कहाँ बेचते हैं सब, लेता है जिसको दरकार लगता है। अच्छा, कितना कितना रेट में बिकते हैं, मतलब कैसा बिकते हैं ये? 40 रुपया टीन है। तो मतलब वो टीना है, टीना है क्या? हाँ। तो ये टीना है दोस्तों, देखिए इस टीना से मतलब एक टीना का 40 रुपया दाम, मतलब एक टीना डाल देगा इसमें तो 40 रुपया दाम। तो हम लोग का पोसाई पड़ता है। आप लोग का एक दिन में क्या टीना तोड़ते हैं? इन लोग बोल रहा है दोस्तों दो दो तीन, मतलब तीन तीन एक दिन में तोड़ सकते हैं। तो मतलब सोचिए 100-120 रुपया में मतलब रोजी रोटी कैसे चलेगा। हम लोग आप लोग को दूसरा काम नहीं मिलता है कुछ मिलने से, ये काज हम लोग करते हैं, क्योंकि 100-150 रुपये में तो क्या होगा आजकल, इतना महंगाई का दुनिया है, क्या करेंगे भाई। मतलब उसमें इन लोगों का काम ऐसा नहीं मिल रहा करने का, इसी के वजह से ये सब कर रहे हैं। ये पत्थर कहाँ से ला रहे हैं? पत्थर जमीन से खोद के, ये तालाब बना था ना दोस्तों, तो जो मिट्टी खुदाई हुआ था ना, वो मिट्टी से ही कुछ पत्थर उठा है, और ये पत्थर को इन लोग जुगाड़ कर कर करके मतलब तोड़ रहे हैं खोज खोज के। कितना मेहनत है सोचिए। इनसे भी थोड़ा बात करते हैं, आप कितना तोड़ते हैं? आप चार टीना दो आदमी में, दो दो आदमी मिला के चार टीना, चार टीना, चार टीना एक रोज में, इतने में के चार टीना मतलब 160 रुपया, 160 रुपया दोनों। इन लोग देखिए हस्बैंड वाइफ है दोनों मिला के क्या। हाँ। तो सोचिए दोस्तों मतलब कितना मेहनत है, चार टीना सिर्फ तोड़ पाते हैं एक दिन में, लेकिन क्या कीजिएगा। और इन लोगों को काम भी नहीं मिलता गाँव में ना, हम लोग गाँव में वैसे काम नहीं रहता है क्या। हाँ काम रहता से काम नहीं, सेल भी नहीं हुआ। देखिए हर किसी के पास बहुत सारा टीना होगा, बहुत गिट्टी है। पैर में लग गया,
देखिए देखिए चोट भी लग चुका है, खून निकल गया है। कितना मेहनत करते हैं, क्या दीजिएगा। और सेल भी नहीं है, हर एक किसी के पास मतलब 15-20 टीना करके गुटी होगा ना, अपने के पास गिटी। हाँ देखिए, इतना बूढ़ी हो गई फिर भी ये मतलब तोड़ रही है पत्थर। और इनका पेंशन भी बंद हो गया है क्या? पेंशन बंद हो गया है ना? पेंशन भी बंद हो गया है। और अगर देखते हैं अगर हो पाएगा तो इनका पेंशन चालू करवाने की कोशिश करेंगे। दाल चाय तेल मसला सब्जी पाती बेसि रेट निर्मा 200 निर्माटार 10 टका दाम 400 निर्माटार 20 टका दाम की करे हमरा पोसा पैसा तो हमें तब ना तो छैला पुला की करे हमरा नूनचर करबो चाल तो ना दीछे हमरा सरकार और खबर तो आरो असुख बेसुख आछे तरकारी पाती आछे आरो भलो मंद तो किने हमरा खाते ही पारबो ना करे 600 টাকা কিলো মাংস 200 টাকা কিলো সাঁচি তেল 200 টাকা কিলো ডাল কি করে খাবো আমরা কাজ না হলে এই 10 টাকা 20 টাকা ইয়া পাকো যে আমরা দিন যাবে মোবাইল এর দিন যাবে আমরা কে এরকম তাই 200 इन लोग यही शिकायत है काम नहीं मिल रहा है रसम मतलब इतना महंगाई के दुनिया में इन लोग का रोजी रोटी दिन में सिर्फ 100-150 रुपये कमा पा रहे हैं इसीलिए इन लोग का बहुत ख़राब लग रहा है और अच्छा अच्छा चीज़ तो खा ही नहीं पाएंगे। बात सही है दोस्तों, और इतना महंगाई का दुनिया में 100-150 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता है। तो दिखाएं किस तरह से मेहनत होता है, गाँव के लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। और एक ही हाल मेरा भी है दोस्तों, मैं भी वैसा ही हूँ। मैं इतना धूप में दोस्तों इन लोग पत्थर को तोड़ रहे हैं, इतना इतना धूप में पत्थर को तोड़ रहे हैं। सोचिए आप लोग, मतलब कोई उपाय नहीं है, खाना पीना के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, रोजी रोटी के लिए नहीं अगर करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। देखिए हम लोग खाना ले आए हैं, खाना ले आई है और यहाँ पे खाएगी, पानी भी है। तो दोस्तों घर जा रहे हैं अब, काफ़ी टाइम हो गया खाना भी नहीं खाए, खाना खाना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाएं गांव के गरीब लोग जो हैं कैसा रोजी रोटी मतलब कैसे रोजी रोटी करते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तालाब खुदाई हुआ था और उससे जो पत्थर निकला था उसको चुन चुन के इकट्ठा करके उसको तोड़ तोड़ के गिटी बनाते हैं जो घर ढलाई के काम में आता है, और वही बेच के दोस्तों उन लोग अपना रोजी रोटी करते हैं। तो दोस्तों मैं मतलब गांव का जो लाइफ स्टाइल है विलेज का वो दिखाने का कोशिश किया हूँ, मतलब किस तरह से लोग मेहनत करते हैं गांव में और कैसे रहते हैं। वो बहुत रिस्क का भी काम है, अगर पत्थर को तोड़ते तोड़ते आँख में भी चिटक सकता है, आँख में भी लग सकता है। आपको दिखा है एक आदमी का चोट भी लग गया था जो घना से बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ के निकालते हैं और मतलब लाते हैं पत्थर को, तब जाकर छोटा छोटा होता है। तो आपको दोस्तों मतलब दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं, आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे लिए नहीं तो कम से कम गरीब लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और एक ब्लॉग वीडियो में।